trong nhà cửa. आगे भी गया क्या? ओ उधर पत्थर है, पूरा बड़ा सा पत्थर आ गया ये तो आ आगे के तो गलो तो शेष है पूरा हीट पूरा झूला ब्रिज है पूरा झूला ब्रिज हाँ सब उड़ाम फटाक से ना निकाले सकन लकड़ी के टूट गई सब। दोस्तों मेरा नाम है अजय गोला और मैं एक यूट्यूबर हूँ जो कि नया ही स्टार्ट किया हूँ। तो आज हमारे असम सिलचर में कुछ आपदा आ पड़ी है तो इसके बारे में मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि कुछ जानकारी आपको भी मिल सके। तो चैनल को एक बार से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि जो हमारे सिलचर से गुवाहाटी जुड़ने वाले जो रेलवे लाइन है इसके बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है डिटकचेरा। इसमें फंसा रेल जिसमें तकरीबन 1245 पैसेंजर थे जिनमें से कुछ लोग पैदल यात्रा करके सुरक्षित स्थान पे पहुंच गए और कुछ लोग थे जो कि पैदल यात्रा नहीं कर पा रहे थे। वो लोगों को हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सिलचर कुंभीग्राम एयरपोर्ट पे लाया गया हेलीकॉप्टर के द्वारा। और लैंडस्लाइड के कारण न्यू हापुंग स्टेशन जो था उसमें पूरा मलबा ग्रस्त हो चुका है, पूरा स्टेशन पे पानी पानी हो गया है, पूरा स्टेशन डूबा हुआ है, साथ ही एक ट्रेन भी डूबा हुआ है। और साथ ही हमारे लमडिंग से सिलचर तक के बीच में जो भी रेलवे ट्रैक है वो ट्रैक बहुत सारे जगह से टूट चुके हैं, उनके ऊपर पानी जा रहा है तो कहीं पे नीचे से ज़मीन पूरा चला गया है जिसके वजह से पूरा रेलवे लाइन पूरा ग्रस्त हो चुका है। उसको रेलवे लाइन अभी रिकवर करने में कुछ समय लग सकता है। तो और जो है हम लोग का हाईवे सिलचर टू गुवाहाटी का उसमें भी बहुत सारे लैंडस्लाइड के चलते कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रहा है जिसके कारण सिलचर में पेट्रोल का भी तकलीफ हो रहा है। राशन का तो तकलीफ अभी फ़िलहाल नहीं है, जैसा कि हमारे डीसी मैम ने भी कहा कि अगर कोई दुकानदार अगर ज़्यादा दाम में आलू को अगर सेल करता है तो उनके द्वारा दिया गया एक कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर है जो नंबर मैं बोल दे रहा हूँ 7002178126। इसमें आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद उस दुकान को सीज कर दिया जाएगा, दुकान को बंद कर दिया जाएगा और सारे सामानों को सीज कर दिया जाएगा। और रेलवे ने अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट्स नहीं दिया है कि वो कब तक पूरा रेल कनेक्टिविटी को वो रिकवर कर लेंगे, पर इतना तो है कि मतलब जल्द से जल्द कर लेंगे। इसी के साथ सिलचर शहर में जो हमारा बराक नदी है, बराक नदी का पानी बहुत ही तेज़ी से सिलचर के अंदर घुसते जा रहा है। हर घंटे में थोड़ा थोड़ा करके ये पानी बढ़ रहा है और बहुत सारे इलाके से ये घुस चुका है। और सिलचर के साइड में जो भी गांव हैं वो सब गांवों में इतना मतलब पानी आ चुका है कि लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरे के घर पे या फिर स्कूल पे कहीं ऊँचे जगह पे जाके रहना पड़ रहा है, अपना घर छोड़ के टेंट बना के रहना पड़ रहा है जिसके चलते वो लोग का राशन का भी तकलीफ हो रहा है। तो राशन का जो था उसमें डीसी मैम ने बोला था कि कृति झल्ली मैम ने कि कैंपस लगाया गया है जहाँ से वो लोग रिलीफ मिल सकता है और मिल भी रहा है। तो जो लोगों का अगर तकलीफ है रिलीफ भी चाहिए तो वो लोग इस नंबर पे भी कॉल करके कुछ सहायता ले सकते हैं, यहाँ से वो लोग को ज़रूर कुछ सहायता मिल जाएगा। और हमारा जो सिलचर सिटी है, सिटी के अंदर कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे पूरा पानी घुस चुका है। बराक नदी के साइड में जो भी शहर का इलाका मिल रहा है वो इलाका पूरा पानी से भर चुका है, जैसे कि हमारे इटखोला हो गया, उसके बाद अन्नपूर्णा घाट हो गया और नागा टिल्हा साइड हो गया, मेहरपुर, ये सब में पानी आ चुका है।
रंगीर खाड़ी में भी पानी आ चुका है, सब तरफ पानी पानी हो चुका है और गांव बस्ती में तो बहुत ही बुरा हाल है। और ऐसे हाल में मुझे ये एक चीज़ जो है कि बहुत बुरा लग रहा है कि जो नेशनल न्यूज़ चैनल है हमारा, GTV हो गया और बहुत सारे हैं, नाम नहीं लूँगा, ये सब जो चैनल्स हैं असम का एक भी न्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं कि असम के लोग इतना तकलीफ़ में हैं, इतना मुश्किल हालातों से जूझ रहे हैं। वो लोग सिर्फ बाहर का इधर उधर का दिखा रहे हैं पर असम के बारे में कुछ नहीं दिखा रहे हैं। असम के बारे में परसों मैंने देखा था, सिर्फ 5 सेकंड का एक क्लिप दिखाया गया असम के बारे में, बाकी तो ऐसा कुछ मैंने अभी तक देखा नहीं है। जो कुछ भी है, मेरा तो यही अनुरोध है कि ये सब जो न्यूज़ चैनल है वो असम को भी दिखाए, असम का जो इतना तकलीफ भरा जो आपदा आया हुआ है इसके बारे में भी दिखाए, ताकि पूरे इंडिया को भी पता चले कि असम में कितना बड़ा तकलीफ़ चल रहा है, यहाँ के आम आदमी लोगों को कितना तकलीफ़ हो रहा है। ऐसे ही खबर मिला है कि कहीं पे लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोग मर चुके हैं। तो ऐसे में आपको यही मैं बोलना चाहूँगा कि पैनिक मत होइए, डरिए मत, हिम्मत से काम लीजिए। कोरोना आया तो कोरोना गया भी, इसी तरह ये आपदा आया है ये भी जाएगा, बस सावधानी से रहिए और हर टाइम पे प्रिकॉशन के साथ रहिए। कहीं पे अगर ज़्यादा पानी है तो वहाँ पे ना जाएं, दूर रहें और सुरक्षित रहें, आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। इसी आपदा में मैंने भी यह भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं कि मस्ती भी कर रहे हैं पानी में जाके, तो ऐसे में नदी के किनारे पानी में जाके मस्ती करना अच्छा नहीं हो सकता है। कहीं पे अगर कोई डैम टूटता है, बांध टूटता है, तो वो पानी बहुत ज़ोर का आएगा तो उसमें वो इंसान को ले जा सकता है और इंसान शायद ना रहे। तो ऐसे में ना जाएं, दूर रहें, दूर से ही देखें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा, जो जानकारी मुझे मिलता रहेगा मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मेरे इस चैनल को आप अगर सिलचर से हैं तो पक्का से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इस वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे और आप देख सकें। और इसी के साथ मैं कुछ क्लिप्स भी डाल दूंगा जो कि वीडियो बनाया हुआ है सिलचर का फुटेज, जो पानी घुसा है ये सब का। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।